बाहर दे देखो उग्रवादी सिरे ले रहे हैं इट इज उग्रवादी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ उग्रवादी सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के जी, को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी मुल लोकतंत्र के मंदिर में खुले आम भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुंडागर्दी कर रहे हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और सदन में दानिश अली जो बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं उनको खुलेआम मुल्ला बोला जा रहा है खुलेआम आतंकवादी बोला जा रहा है और बीजेपी सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा और राज्यसभा लेकिन उसी लोकसभा में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुंडाई कर रहे हैं और देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे हैं उन्हें मजा आ रहा है क्योंकि एक पार्टी के सांसद को बेज्जित किया जा रहा है बदनाम किया जा रहा है गालियां दी जा रही है अब शब्द बोला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुलेआम बड़े ही बेशर्मी के साथ हंस रहे हैं ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नर, नरेंद्र मोदी ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया हो कि तुम लोग जाओ जो मन में आए वो काम करो रमेश भिधुड़ी साउथ दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं लेकिन शब्दों की जो मर्यादाएं थी उसको लगातार से चले गए और अब वीडियो सामने आया है वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूं दीपक शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये लिखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के सांसद रमेश भिधोड़ी की भाषा सुनिए शर्म आती है देश में जनता ऐसे सांसद भी चुनती है विधूड़ी संसदीय संस्कारों के जीवन कलंक हैं वहीं आयुषी शुक्ला हैं कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं ये लिखती हैं आप पढ़ लीजिए मैं बोल नहीं सकता ओय डैश आप पढ़िएगा उग्रवादी आतंकवादी कटुए इन मूल्यों को बाहर देखूंगा बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ये भाषा है एक सांसद का लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी गुंडागर्दी खुलेआम की जा रही है वहीं डॉक्टर मेराज हुसैन लिखते हैं संसद में खड़े होकर सांसद दानिश अली को आतंकवादी मुल्ला और के साथ साथ गालियां दे रहा बीजेपी सांसद रमेश धूड़ी इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय क्या हो सकता है कि गांधी के देश को भाजपा ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी जी संज्ञान लीजिए वही देखिए श्रीनिवास वीवी, जो आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे लिखते हैं शब्द रमेश भधूड़ी के थे भावना नरेंद्र मोदी जी की परवरिश शाखा की है दुर्भाग्य से स्थान नई संसद है लोकतंत्र मुबारक हो मित्रों और यही लोकतंत्र है, खुलेआम गुंडागर्दी की जाती है इसके अलावा अब आप लोग देखिए कि आकाश आनंद भी ट्वीट किए हुए हैं आकाश आनंद लिखते हैं साफ तौर पर एक सांसद को बीजेपी का एक गुंडा भरी संसद में बोलने लायक नहीं है मुल्ला आतंकवादी कटुआ उग्रवादी कह देता है और देश का प्रधान सेवक और उसकी पार्टी अब तक खामोश बैठे हैं ये वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास जैसे खोखले जुमले देती है हाल हो गया है देश की संसद का दरअसल यही असली चेहरा है बीजेपी का जो अब हर दिन बेनकाब हो रहा है संसद से लेकर सड़क तक भाजपाई मुस्लिम समाज के लिए ऐसे ही नफरती बयान देकर मासूम जनता को उकसा और भड़का रहे हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा ओ बिरला में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुरंत रमेश धूड़ी जैसे गुंडे की संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए और पूरे देश के मुस्लिम समाज और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली जी से माफी मांगनी चाहिए ये ट्वीट किया है आकाश आनंद जो मायावती जी के भतीजे भी हैं लेकिन आप सोचिए हमारे देश में चल क्या रहा साहब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर कानून बनाए जाते हैं जहां से लोगों को हक और अधिकार दिया जाता है जहां से सबकी बात की जाती है आवाज उठाई जाती है और उसी लोकतंत्र के मंदिर में खुलेआम चुने हुए एक सांसद को तो गाली दी जाती है मुल्ला बोला जाता है कटुआ बोला जाता है आतंकवादी बोला जाता है मोदी जी क्या यही आपके सपनों का भारत है आप किस तरफ हमारे देश को ले जा रहे हैं बड़ा सवाल है आरोप नहीं है यह सच्चाई है लोकसभा में खुलेआम इस तरीके से एक चुने हुए सांसद को गालियां दी जा रही हैं वही देखिए श्रीनिवास बीवी का दूसरा ट्वीट है साफ है लोकसभा में विधोड़ी ने जो जाहिर उगला उनका नहीं भाजपा का आधिकारिक स्टैंड है एक खिलखिलाते चेहरे देश के पूर्व स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री के हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं उम्मीद है मोदी जी ने दिल से माफ नहीं करेंगे विधूड़ी खड़े हैं और उनके राइट हैंड पर पहले रविशंकर प्रसाद हैं जो देश के कानून मंत्री रह चुके हैं और रविशंकर के दाहिने हाथ पर डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जो देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं आप सोचिए इन लोगों के पास इतना बड़ा बड़ा मंत्रालय था और ये लोग खिलखिला करके हंस रहे हैं जब एक बसपा के सांसद मुसलमान को गाली दी जा रही है हमारा देश किस तरफ जा रहा है टीवी मीडिया खामोश है और आप जान लीजिए खुल के बोल रहा हूँ ये टीवी मीडिया ही दंगाई मीडिया है ये टीवी मीडिया ही नफरत फैलाने वाली मीडिया है ये टीवी मीडिया ही आपको सिर्फ झूठ दिखाती है सच नहीं दिखाती वरना अब तक देश में हंगामा खड़ा हो गया होता अब तक इनसे इस्तीफा ले लिया गया होता अब तक इनके ऊपर कार्रवाई कर ली गई होती अब तक दीन दयाल मार्ग से जहां पर बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय है वहां से चिट्ठी जारी कर दी गई होती और अब तक बीजेपी हेडक्वार्टर बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर से कांग्रेस के दफ्तर से अब तक रिपोर्टिंग चल रही होती रिपोर्टर तैनात कर दिए गए होते एक्शन का रिएक्शन हो रहा होता लेकिन यहां पर एक्शन का रिएक्शन नहीं हो रहा है और नेशनल दस्तक जैसे जो बहुजन संस्थान है जो बहुजन समाज की मीडिया है वो लगातार आपको सच पहुंचा रही है वरना क्या मजाल था कि यह सच आप तक पहुंच पाता इस सच को दबा दिया जाता खुलेआम लोकतंत्र के मंदिर में एक सांसद को तो गाली दी जा रही है मोदी जी कुछ बोलेंगे बोलना चाहेंगे या फिर आ, आप इस पूरे मुद्दे पर खामोश उसी तरीके से रहेंगे जिस तरीके से सत्तर दिनों के बाद आपकी जुबान खुलती है जब मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा था परेड कराया जा रहा था और आप कहेंगे मुझे बहुत दुख हुआ है सबका साथ सबका विकास की बात आप करते हैं लेकिन नई संसद में मुसलमान सांसद को खुलेआम गाली दिया जा रहा है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स खुला हुआ है अपनी राय आप लोग हमें जरूर दीजिएगा धन्यवाद नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें